एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। टुनटुनी, सर्दी बहुत ज़्यादा होने वाली है इस बार, इसीलिए मैं तो अपना घर पक्का करने वाली हूँ। हाँ, तुम सही कह रही हो टोनी, हमें अपना घर पक्का कर लेना चाहिए ताकि जब बर्फ़ पड़े तो हम सर्दी से बच सकें। ठीक है टुनटुनी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ अपना घर पक्का करने। ठीक है, ये कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे काला कौवा अपने घोंसले में सोता हुआ मिलता है। अरे कौवे भाई, आपको पता नहीं क्या, सर्दी आने वाली है, अपना घर पक्का कर लीजिए ताकि आपको सर्दी ना लगे। अरे टोनी बहन, कर लूँगा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी कहाँ रही है सर्दी, जब आएंगी तो कर लूँगा, अभी मैं आराम कर लेता हूँ। अरे काले कौवे भाई, आने ही तो वाली हैं सर्दियाँ, इतना आलसी बनना ठीक बात नहीं है, आप अपना घर सही कर लीजिए। अरे टोनी तुम जाओ यहाँ से। टोनी उसकी बात सुनकर अपने घर आ जाती है और अपना घर पक्का करने लगती है। वह अपना घर बहुत अच्छे से बना लेती है। अरे वाह, मेरा घर तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब चाहे जितनी भी बर्फ़ की बारिश हो लेकिन मेरा घर पक्का ही रहेगा और ये मुझे सर्दी से भी बचाएगा। देखते ही देखते सर्दियाँ भी आ जाती हैं। एक रात टोनी अपने घर में सो रही होती है, तभी काला कौवा उसके दरवाजे पर आता है। टोनी बहन, टोनी बहन, दरवाज़ा खोलो, यहाँ बहुत सर्दी है, दरवाज़ा खोलो। अरे कौन है? अरे मैं हूँ काला कौवा, दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ काले भाई, इतने क्यों परेशान हो? अरे तुम्हें पता है ना, मैंने घर नहीं बनाया था और अब इतनी बर्फ़ की बारिश हो रही है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मुझे आज रात अपने घर में पनाह दे दो। ठीक है कालू भाई, आ जाइए, अंदर आ जाइए। ये कहकर टोनी उसे अपने घर में ले जाती है। वहाँ पर टोनी और काला कौवा सो जाते हैं। आधी रात को काला कौवा उठता है और टोनी का खाना देखने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खाना है, चलो मैं इसे खा लेता हूँ क्योंकि मैं भूखा भी हूँ। वह टोनी का खाना खा लेता है। कितना अच्छा होगा ना अगर रोज़ मुझे ऐसा घर और खाना मिल जाए तो। अगले दिन काला कौवा टोनी के घर से चला जाता है। टोनी भी अपनी दोस्तों से मिलने जाती है। अरे तुम्हें पता है रात कितनी सर्दी थी, मैंने कंबल ओढ़ रखे थे फिर भी मेरी सर्दी रुक नहीं रही थी। हाँ तुम सही कह रही हो बहन, रात तो बहुत बर्फ़ पड़ रही थी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे दाना भी इकट्ठा करना है। ये कहकर टोनी दाना लेने चली जाती है। वह दाना लेकर अपने घर आती है। अरे ये दाना तो मैं कल लेकर आई थी पर मैंने तो नहीं खाया, ये इतना कैसे बचा? चलो कोई बात नहीं, मैं ये दाना भी यहीं रख देती हूँ। इसके बाद रात का समय हो जाता है। काला कौवा फिर से टोनी के घर आता है। टोनी बहन, टोनी बहन, दरवाज़ा खोलो। हाँ भैया बताइए, मुझे आज रात अपने घर में पनाह दे दो, मेरे पास घर नहीं है। क्यों, कल आपने अपना घर नहीं बनाया? नहीं मैंने घर नहीं बनाया, मुझे आज रात रहने दो, मैं कल बना लूँगा। ठीक है भैया, आ जाइए। काला कौवा टोनी के घर जाता है और सो जाता है। अगली सुबह टोनी देखती है काला कौवा सो रहा है। वह उससे कुछ नहीं कहती और दाना लेने चली जाती है। जब वह दाना लेकर वापस आती है तो वह देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा बंद है। अरे कालू भैया, दरवाज़ा खोलो। कौन है? अरे मैं हूँ टोनी, दरवाज़ा खोलो। कौन टोनी? मैं नहीं जानता कौन टोनी। अरे मैं टोनी जिसका ये घर है। तुम्हारा घर है? ये घर मेरा है। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। अरे कालू भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं, बर्फ़ इतनी तेज़ पड़ रही है, मुझे घर में आने दीजिए। नहीं मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और मेरे घर से जाओ। टुनटुनी बहुत परेशान हो जाती है, बर्फ़
बहुत ज़्यादा तेज पड़ रही होती है। वह जंगलों में भटकने लगती है। वह टुनटुनी के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। कोई बात नहीं टोनी, तुम मेरे घर में रह लो, हम कल से ही तुम्हारा नया घर बनाना शुरू करेंगे। ये कहकर वह दोनों एक साथ एक घर में रहती हैं। वहीं रात का समय होता है, बर्फ बहुत तेज पड़ रही होती है और काले कौवे का घर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। घर टूटने की वजह से काले कौवे के बहुत चोट लगती है और वह बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। काला कौवा भी जंगलों में भटकता है और टुनटुनी के पास पहुंचता है। टुनटुनी, टुनटुनी बहन, कौन है? मैं काला कौवा हूँ, मेरा घर टूट गया, मुझे अंदर आने दो। टोनी और टुनटुनी काले कौवे के पास जाती हैं और टुनटुनी कहती है, काले भैया, आपको पता है जब आप मुसीबत में थे टोनी ने आपकी मदद की और आपने उसे ही घर से निकाल दिया, इसीलिए आपके साथ सही हुआ। हाँ काले भैया, मैंने आपकी मुसीबत में, आपकी सर्दियों में आपकी मदद की और आपने मेरा ही घर मुझसे ही छीन लिया। सॉरी कालू भैया, हम आपको यहाँ नहीं आने दे सकते, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये कहकर टोनी और टुनटुनी अंदर चले जाते हैं और काला कौवा सर्दी की रात में सर्दी से ठिठुर के मर जाता है। इसलिए तो कहते हैं, अगर कोई मुसीबत में आपकी मदद करे तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए, ना कि उसे आंखें दिखानी चाहिए। रात का समय होता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टोनी और बबली के साथ अपने घर में बैठी होती है। हे भगवान, ये बारिश कैसे हो गई? कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे तो डर है कि कहीं हमारा घर भी ना टूट जाए। कितनी तेज बारिश हो रही है, कहीं हमारा घर तो नहीं टूट जाएगा। बेटा एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ बाहर आओ, हम घोंसले से बाहर चले जाते हैं, लगता है इतनी तेज तूफान है, कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। टुनटुनी अपनी बेटी टोनी और बबली के साथ बाहर निकल आती है। कुछ देर बाद ही उसका घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हे भगवान, हमारे पास तो अब रहने के लिए जगह भी नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे? टुनटुनी अपनी बेटी बबली और टोनी के साथ इधर उधर भटकने लगती है। हे भगवान, हमें सर ढकने के लिए कोई छत ही दे दे। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं मरे होते तो हमारे पास भी पक्का घर होता और आज हम अपने घर में बैठे होते। मम्मी मम्मी, पिताजी को क्या हुआ था? हे भगवान, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो हमें छोड़कर चले गए। मैं अपनी बेटियों को लेके इतनी बारिश में कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा। माँ माँ, देखो वहाँ पर एक घर है, कितना प्यारा घर है ना, हम वहाँ चलते हैं। अरे बेटा, पता नहीं वो किसका घर है, हम ऐसे किसी के घर में कैसे जा सकते हैं? माँ देखो ना, कितनी तेज बारिश हो रही है और बबली बबली भी तो बहुत छोटी है, वो कितना भीग चुकी है, चलो ना हम चल रहे हैं। ठीक है। वह तीनों उस घर में जाती हैं। टोनी, लग रहा है इस घर में पहले से ही कोई रहता है। कोई बात नहीं मम्मी, अभी तो इस घर में कोई नहीं है ना, तो अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं और बाहर देखो बारिश भी कितनी तेज हो रही है। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है। चुप जा कंबख्त, दिख नहीं रहा तुझे कितनी बारिश हो रही है? इतनी बारिश में अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है और इसे खाने की पड़ी है। टोनी, जा इसे पानी पिला दे। टोनी बबली को पानी पिला देती है। तुम दोनों जाकर सो जाओ। ये दोनों तो सो गई, लेकिन मुझे कैसे नींद आएगी? बारिश इतनी हो रही है, कहीं कोई जहरीला जानवर आकर इन दोनों के काट ना ले, मुझे तो बैठ के ही पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। इतने में ही दरवाजे पर खटखट होती है। कौन है मेरे घर में? कौन है? दरवाजा खोलो। हे भगवान, लगता है इस घर में रहने वाले लोग आ चुके हैं। वह बाहर जाती है और दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। कव्वे भैया, मैं टोनी हूँ, मेरी दो छोटी सी बच्ची अंदर सो रही हैं, हमारे पास सर ढकने के लिए छत भी नहीं है,
हमारा घोंसला बारिश में टूट चुका है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज रात हमें यहाँ रहने दीजिए। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। अपनी बेटियों को लेकर के निकलो यहाँ से। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आज रात मुझे यहाँ गुजारने दीजिए। मेरे पास कोई भी छत नहीं है जिससे मैं अपना सर ढक सकूँ। मेरी नन्नी नन्नी बच्ची है, मुझ पर दया कीजिए। ठीक है, तुम आज रात यहाँ रह सकती हो। ये कहकर वह उन्हें एक रात के लिए अपने घर में रहने देता है। अगली सुबह वह अपनी बच्चियों को लेकर जाने लगती है। कालू भैया, आपने हमारी मदद की, हमें रात गुजारने दी, इतनी बारिश में हमें सहारा दिया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। टोनी सुनो, तुम अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाओगी? एक काम करो, आज से तुम मेरे घर में ही रहो। तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम्हें निकाल दे। भाई बोला है ना तुमने मुझे, अब भाई का फर्ज भी निभाने दो। ये कह करके वे चारों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।